जो कैसे हो आप सभी हो। मैंने आपकी क्लास में चैप्टर 2 है वो स्टार्ट कर रखा है, पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन, जहाँ पे हमने द्वि निषेचन वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी भ्रूणपोष किसे कहते हैं व ये कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष किसे कहते हैं व ये कितने प्रकार के होते हैं, आज की हमारी क्लास यही होगी। ठीक है, सुनो तो भ्रूणपोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की अपन बात करेंगे। तो भ्रूणपोष का निर्माण द्वि निषेचन के समय, पुष्पीय पादपों में द्वि निषेचन के समय होता है। भ्रूणपोष के निर्माण के समय एक नर युग्मक है ना, एक एगुणित नर युग्मक एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ में द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन करता है। द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन करता है और संलयन करके एक त्रिगुणित अवस्था बनाता है, एक त्रिगुणित अवस्था बनाता है। इस त्रिगुणित अवस्था को प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्राथमिक भ्रूणपोष में समसूत्री विभाजन से समान आकार समान गुणिता की बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इन कोशिकाओं का जो समूह बना है इस समूह को कहते हैं भ्रूणपोष ऊतक। भ्रूणपोष ऊतक, ये जो भ्रूणपोष ऊतक है ये खाद्य पदार्थ युक्त होता है। वह आगे जाकर के विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आगे जाकर के विकसित भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जबकि भ्रूण का विकास कैसे होता है ये आपको पता है कि एक नर युग्मक ने तो द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन कर लिया था, लेकिन एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ में संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है और जो युग्मनज है उसमें विभाजन की क्रिया से क्या बनता है, भ्रूण का विकास होता है। वो जो भ्रूण है वो आगे जाकर के बीज बनाएगा, एक नए पादप का निर्माण करेगा। लेकिन वहाँ पर जो भ्रूण को पोषण चाहिए ना, तो वहाँ पे भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है, ये भ्रूणपोष करता है। तो भ्रूणपोष क्या है, एक खाद्य पदार्थ का भंडार है, कुछ भी नहीं है। उसकी कोशिका प्रत्येक कोशिका 3N की होती है, कितनी होती है, 3N होती है। जैसे मान लो, शायद मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर N बराबर 7 है तो 3N बराबर क्या होगा, 3 × 7 = 21 है ना, ये थे ना इस प्रकार के क्वेश्चन, और उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ भरे रहते हैं। तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष कहा जाता है। अब भ्रूणपोष है उसमें विभाजन के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के हैं। विभाजन के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के कौन से हैं, अपन उनकी बात परिभाषा समझ में आएगी ना, भ्रूणपोष किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष में विभाजन की क्रिया के दौरान भ्रूणपोष का क्या बन जाएगा, ऊतक बन जाएगा। तो भ्रूणपोष के अंदर सबसे पहले है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। फिर है कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। उसके बाद में हिलोबियल भ्रूणपोष, कितने हो गए, 3 हो गए। अगला कौन सा है, हिलोबियल भ्रूणपोष। कौन सा है, हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष। हो गए 3।
तीनों के नाम याद कर लो, कौन कौन से हैं बोर्ड के ऊपर लिखे हुए आराम से देख लो। मुक्त केंद्र की भ्रूण कोष, केंद्रीय केंद्र की भ्रूण कोष, या मुक्त भ्रूण कोष कह दो, या फिर क्या कह दो, मुक्त केंद्र की भ्रूण कोष कह दो, भ्रूण कोष, कोशिकीय भ्रूण कोष और हेलोबियल भ्रूण कोष। ठीक है, तीन नाम याद हो गए। सबसे पहले इस प्रोसेस पहले समझ लो, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब से पहले देखो, जैसे ये एक प्राथमिक भ्रूण कोष है, क्या है, प्राथमिक भ्रूण कोष बना है बस अभी अभी, प्राथमिक भ्रूण कोष है जिसका केंद्रक कैसा है, त्रिगुणित है। अब इस केंद्रक के अंदर, इस केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन से कोशिका नहीं बन रही है, अभी केवल केंद्रक बन रहे हैं, तो मुक्त समसूत्री मुक्त केंद्र की यह समसूत्री विभाजन होता है जिससे बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, और जितने भी केंद्रक बने वो सभी केंद्रक कहाँ चले जाते हैं, सभी केंद्रक परिधि की तरफ गमन करते हैं। जब सभी केंद्रक परिधि की तरफ गमन कर जाते हैं उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, और बीज के अंदर एक बहुत बड़ी रिक्ति का जैसी संरचना बन जाती है, ऐसे लगता है कि बीज में खाली जगह पड़ी हुई है, तो बीच में एक बहुत बड़ी क्या बन जाती है, खाली जगह नहीं, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो अब सुनो, एक केंद्रक था, एक केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बन गए बिना कोशिका भित्ति के, बहुत सारे केंद्रक बन गए बिना कोशिका भित्ति के, और सभी केंद्रक परिधि की तरफ गमन कर जाते हैं, उसके बाद में ये एक कोशिका का रूप लेते हैं, जैसे ये अपने आप में कोशिका बन गई, ये कोशिका बन गई, ये कोशिका बन गई, और बीच में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसे मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोष कहते हैं, क्योंकि केंद्रक का विभाजन हुआ था, कोशिका भित्ति साथ साथ में नहीं बनी थी, बाद में बनती है लास्ट में जाकर के कोशिका भित्ति। इस प्रकार का जो भ्रूण कोष है ये मिलता है नारियल पानी में, आप जो नारियल का पानी पीते हो ना वो भ्रूण कोष ही तो है, नारियल में आप जो खाते हो उसका भ्रूण कोष खाते हो, जो चुटकी खाते हो ना, पहले नारियल का पानी था, वो नारियल का पानी भी अपने आप में क्या भ्रूण कोष है, पानी में बहुत सारे केंद्रक तैरते रहते हैं, उस पानी के अंदर बहुत सारे केंद्रक क्या तैरते रहते हैं त्रिगुणित अवस्था के अंदर, इसीलिए इसे, इसीलिए इसे तरल, इसे क्या कहते हैं, लिक्विड, यानी कि तरल भ्रूण कोष भी कहा जाता है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे तरल पदार्थ में बहुत सारे केंद्रक तैरते रहते हैं, इसीलिए तरल भ्रूण कोष भी कहा जाता है। तो नारियल का पानी इसका उदाहरण हो गया, कर लोगे कि मुक्त केंद्रीय में सीधी सी बात है, जो प्राथमिक भ्रूण कोष है वो त्रिगुणित है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, केवल केंद्रक में विभाजन हुआ इसीलिए इसमें मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा, फिर उसके जितने भी केंद्रक बनते हैं वो सब परिधि पे चले जाते हैं, और उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, इसीलिए इसे मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोष कहते हैं। उदाहरण क्या है, नारियल का पानी। ठीक है, कोशिकीय भ्रूण कोष साथ साथ में कोशिका बन जाएगी, इसमें साथ साथ में कोशिका नहीं बनी है, जबकि इसमें साथ साथ में क्या बनेगी, कोशिका का निर्माण होगा, साथ साथ में क्या बन जाएगी, कोशिका। तो इसके अंदर क्या अपन कहेंगे कि जो दिख रहा है, जो प्राथमिक भ्रूण कोष है, जो प्राथमिक, ये लो ये प्राथमिक भ्रूण कोष है, ठीक है, केंद्र त्रिगुणित अवस्था में, तो प्राथमिक भ्रूण कोष में समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के साथ साथ में ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, तो समसूत्री विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, और केंद्रक में साथ साथ में किसका निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। ऐसा ऐसा भ्रूण कोष जिसमें केंद्रक में विभाजन के साथ साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, कोशिकीय भ्रूण कोष कहलाता है। कोशिकीय भ्रूण कोष की जो कोशिका है वो आगे जाकर के एक चुस्कांग की तरह व्यवहार करती है,
चुस्कांग उसे कहते हैं जो भोजन को चूसने का काम, तो भोजन को चूस के किसको दे देते, भून को दे देते हैं। भोजन को चूस करके किसको दे देंगे कि बायदे मान लो भून पोस में भोजन कम हो गया तो भोजन कहाँ से लिया जाएगा, बीजांड काई से ही तो लिया जाएगा। अरे बीजांड है, बीजांड में बीजांड काय है, बीजांड काय की कोशिका है वो विकसित होकर के क्या बनाती है, क्या बनाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन की क्रिया के दौरान क्या बनता है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बनता है, वो क्रियाशील गुरु बीजाणु है आगे संसूत्री विभाजन के दौरान भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। तो भ्रूणपोष के बाहर क्या, सॉरी भ्रूणपोष ने भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है तो भ्रूणपोष के बाहर की तरफ क्या लगा, बीजांड काय तो लगा, तो बीजांड काय से भोजन को चूसने का फिर ये क्या करने लगते है, कार्य करने लगते है नीचे की कोशिकाएं। इसका उदाहरण देखो, आपने कई बार नारियल पानी पी लिया, फिर नारियल को आप तोड़ते हो तो तोड़ करके उसमें वाइट वाइट सी मलाई निकलती है, तो नारियल पानी की मलाई बोलते हैं उसे, नारियल की मलाई, नारियल की मलाई बहुत अच्छी लगती है खाने में ना। नारियल का पानी, कच्चे नल का पानी, पहले कच्चा नारियल है ना, कच्चे नल का पहले पानी पी लो, फिर उसको तोड़ोगे, तोड़ करके देखोगे चम्मच से अगर अपना हटाएंगे तो सफ़ेद सफ़ेद रंग की मलाई निकलती है, तो वो किसका एग्जांपल है, कोसी की भूण पोस का ही एग्जांपल है, उदाहरण है वो। अब आता है हेलोबियल, तो हेलोबियल जो है वो इन दोनों के बीच का है, मुक्त केंद्रीय भूण पोस, मुक्त केंद्रीय भूण पोस और कोसी की भूण पोस के बीच का क्या कहलाता है, हिलोबियल भ्रूण पोष कहलाता है। इसकी और एग्जांपल करो, जैसे एक पादप आता है बालसम, पिटूनिया, उसके एग्जांपल भी यही है, ठीक है। हिलोबियल भ्रूण पोष में देखो क्या होता है कि सबसे पहले प्राथमिक भ्रूण पोष है, क्या है, प्राथमिक भ्रूण पोष है, ये जो प्राथमिक भ्रूण पोष है इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनती है, दो कोशिका बनती है, एक होती है बड़ी कोशिका, एक होती है बड़ी कोशिका और एक होती है छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका है वो बीजांड में, बीजांड द्वार की तरफ है और ये चैलेंजा की तरफ है। जो छोटी कोशिका होती है उसमें केंद्रक का विभाजन बिना कोशिका भित्ति के होता है, जबकि बड़ी कोशिका में केंद्रक का विभाजन कोशिका भित्ति के साथ साथ होता है, कोशिका भित्ति के साथ साथ होता है, यानी कि एक इधर की साइड में जहाँ कोशिका छोटी है वहाँ विभाजन होगा लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, जबकि बीजांड द्वार की तरफ जो बड़ी कोशिका गई थी उसमें विभाजन के साथ साथ में कोशिका भित्ति भी बन जाएगी। तो इसमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। जो चैलेंजा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष की तरह विभाजन हो रहा है उसके अंदर तो, और जबकि बीजांड द्वार वाले में कोशिका भित्ति के साथ साथ विभाजन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बीच की अवस्था बोलते हैं। हिलोबियल जो भ्रूण पोष है वो उसमें उदाहरण आप दे दो, लगभग एक बीज पत्री पौधे, लगभग एक बीज पत्री पौधे का ये क्या हो जाता है, उदाहरण देता है, फटाफट देख लो मैं साइड से हट चुकी, जल्दी से देखो। पहला क्या था, मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष, जिसमें आप क्या कहोगे, त्रिभुज प्राथमिक भ्रूण पोष में मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं और ये सभी केंद्रक कहाँ चले जाते हैं, परिधि की तरफ चले जाते हैं। अब सुनो, ये जो केंद्रक बने ये भी त्रिगुणित ही है सभी के सभी, क्योंकि विभाजन तो समसूत्री था ना, तो सभी के सभी त्रिगुणित ही होते हैं। फिर बीच में एक खाली जगह रह जाती है, जैसे लगता है कि जैसे बड़ी रिक्तिका बन गई हो, उसके बाद में कोशिका भित्ति बनती है और एक कोशिका का विकास होता है। नारियल का पानी इसका उदाहरण है, इसे तरल भ्रूण पोष भी कहते हैं, तरल भ्रूण पोष भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे तरल भ्रूण पोष भी कहा जाता है। कोशिकीय में क्या कहोगे कि प्राथमिक भ्रूण पोष में केंद्रक विभाजन के साथ साथ प्राथमिक भ्रूण पोष में
केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी विकास हो जाता है। आगे जाकर ये चुस्कांग का निर्माण करते जो बीजांड का ऐसे क्या करेंगे, भोजन को चूसने का काम करेंगे। हीलोबियल में दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये अगर चरेजा की कोशिका छोटी होती है तो मुक्त बिना कोशिका भित्ति के विभाजन हो रहा है, जबकि इसकी कोशिका क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है तो कोशिका भित्ति के साथ में क्या होता है, विभाजन होता है। फिर अपन कहेंगे, अपन ये बात कहेंगे कि जो एक बीजपत्री पौधे हैं, जो एक बीजपत्री पौधे, क्या पहचान है एक बीजपत्री पौधों की, आप उसकी पत्तियां देख लो। अगर पत्तियां में समांतर विन्यास पाया जा रहा है, समांतर सिरा विन्यास पाया जा रहा है, तो वो कौन सा होता है, एक बीजपत्री होते हैं। कौन से पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं। तो एक बीजपत्री पादप के जो बीज होते हैं उनमें भ्रूण पोष पाया जाता है, उनमें बीजों के परिपक्वन के बाद भी भ्रूण पोष रहता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में जो भ्रूण पोष है बीजों के परिपक्वन के समय नहीं पाया जाता है, उसको उपयोग में ले लिया जाता है। तो द्विबीजपत्री पादप ये मान लो जिनकी पत्तियां के अंदर जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है ना, जो पत्तियां होगी पत्तियों के अंदर क्या पाया जाएगा, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा, ऐसे वो सभी द्विबीजपत्री पादप ही होते हैं। द्विबीजपत्री पादप के बीच में भ्रूण पोष नहीं, परिपक्वन बीज में भ्रूण पोष नहीं पाया जाता, संपूर्ण काम उसका काम में ले लिया जाता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में बीज में विकास के समय भ्रूण पोष पाया जाता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, भ्रूण पोष किसे कहते हैं, भ्रूण पोष के प्रकार क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक था भ्रूण पोष पे क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं इतना बर्डन नहीं देना चाहती तुम लोगों की, दो क्वेश्चन एक साथ नहीं करवाएं, जैसे करवाने को तो मैं आज तुम लोगों को एम्ब्रियो का निर्माण भी करवा दूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जो वीडियो है वो 50-60 मिनट का हो जाता है, उसकी वजह से तुम लोगों को फिर बोरिंग होने लगती है। 20-25 मिनट 30 मिनट का वीडियो, उसमें टॉपिक आराम से समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ तुम लोगों के लिए, आराम से टॉपिक को समझ लो। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन सुनो, आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, सुनिए क्वेश्चन कि कोई भी एक पादप है उसका जो भ्रूण पोष है, उसका जो भ्रूण पोष है उसकी गुणिता 30 है। भ्रूण पोष की गुणिता कितनी है, 30 है। किसकी गुणिता, भ्रूण पोष की गुणिता कितनी है, 30 है। तो आपको सहायक कोशिका, एक सहायक कोशिका की गुणिता बतानी है, दो होती है ना सहायक कोशिका, तो आपको एक सहायक कोशिका की गुणिता बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों ये आज की हमारी क्लास थी, आप मेहनत करोगे तब जाके काम चलेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, कुछ आज और सेंड, आपको और सेंड कर दिए जाएंगे नोट्स, तो आप अपना होमवर्क भी साथ साथ में कंप्लीट रखें ताकि ज़्यादा बर्डन नहीं हो। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी, हम रोज़ एक क्वेश्चन को ही लेके स्टडी करेंगे, ये एक दिन में हमें कंप्लीट नहीं करना, ऐसा नहीं कि बस सिलेबस पूरा करवा दो बच्चों के कुछ समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आराम से पढ़ो, आराम से सिलेबस हो जाएगा। ओके बच्चों।